नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिले में आए योग गुरु बाबा रामदेव का आज से 3 दिवसीय भव्य निःशुल्क शिविर और योग चिकित्सा प्रशिक्षण एवं ध्यान शिविर का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम आज से 3 दिन तक आईटीआई मैदान में चलेगा। योग गुरु रामदेव ने आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में लोगों को योग सिखाया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। बाबा ने बताया कि योग एवं आयुर्वेद से मनुष्य आजीवन स्वस्थ रह सकता है, इसीलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी राजनीति में नहीं आएंगे और जो भी देश समाज के लिए अच्छा करेगा उसी का साथ देंगे। योग गुरु ने बताया कि जो भी वो काम कर रहे हैं वह मानव कल्याण व राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं। वह पतंजलि योग पीठ एवं उसके अन्य प्रतिष्ठान के मुनाफे को सभी समाज कल्याण के कामों के लिए समर्पित करेंगे। संपूर्ण जीवन को उन्होंने राष्ट्रोत्थान तथा मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसा रामदेव जी का कहना है। भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के साथ साथ जन जन में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना हमारा लक्ष्य होगा, ऐसा स्वामी रामदेव ने अपने वक्तव्य में कहा। हमने आज कहा आजमगढ़िया सबसे बढ़िया। आजमगढ़िया लोगों ने इतने बढ़िया से योग किया, ऐसा लग रहा था ये पहले से ही ट्रेंड है सब। और सच में योग करने से खाली स्वास्थ्य ही नहीं मिलता है, योग करने से हमारा तन मन जीवन थॉट्स इमोशंस एक्शंस जो पूरा जीवन चक्र है वो रूपांतरित हो जाता है। योग से हम स्वास्थ्य पाते हैं, सुंदरता पाते हैं, शक्ति पाते हैं, सफलता पाते हैं, सुख शांति पाते हैं, पूर्णता पाते हैं। तो योग जो है हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का द्वार खोलने वाला एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो साइंटिफिक है और सेक्युलर है। तो एक योग को सब जीवन पद्धति के तौर पर अपनाएं। और मुझे खुशी है कि हजारों हजारों लोगों ने सुबह जाग करके इस योग के अनुष्ठान में भाग लिया है। कल परसों ये संख्या और बढ़ेगी और 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर भाग लेंगे तो आजमगढ़ में एक योग और अध्यात्म का एक नया इतिहास रचा जाएगा। गुरु जी, प्रथम तो जिनका शरीर शांत हो गया दुर्घटना में, उन सभी मृतात्माओं के लिए हमारी प्रार्थना है भगवान उनको अपनी शरणागति दे और उनके परिवार के लोगों को भगवान हौसला हिम्मत दे कि वो दुख से बाहर निकल पाएं। जहाँ तक का प्रश्न है लापरवाही का, ऐसी लापरवाही दोबारा से ना हो, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से सैकड़ों लोगों की जान संकट में पड़ जाती है। तो जिम्मेदारी से काम कर। आज योग करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्वामी जी का आगमन जो है, आजमगढ़ की धरती पवित्र हो गई और इसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और यहाँ की जनता जो शांतिपूर्वक योग की है उसके लिए अपने पूरे जिले की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें मेडिसिन से दूर रहने के लिए, दवा से दूर रह करके उन्होंने एक संदेश दिया, करो योग रहो निरोग। बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हम स्वस्थ न रहें। हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारा देश, हमारे लोग स्वस्थ रहें, चाहे दवा या दवा के बगैर। बेहतर होगा कि अगर हम दवा के बगैर स्वस्थ हैं तो ये सबके लिए बेहतर है। बहुत अच्छा लगा, एक नई ऊर्जा मिली और एक ऐसा लगा कि हम लोगों को भी देश के लिए कुछ खास काम करना चाहिए, जिससे जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, स्वभाव ना हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और एज ए डॉक्टर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो न्यूरो से बीमारियों में भी मदद के लिए बहुत मददगार थी। बोलने वाला कम कर दीजिए, जितना कम से कम हो जाए वो सबके लिए अच्छा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें दवाइयाँ बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, हम भी चाहते हैं हमारे देश में दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल हो, उसमें हम सब लाभकारी होंगे। और हम सब चिकित्सक यही उद्देश्य रहता है कि डायग्नोसिस बने, जिससे हम उस पर एक उचित जो मेन दवा है वही दे सकें, इधर उधर की दवा ना दे सकें। कुछ संकल्प लिया आपने यहाँ से? हाँ बिल्कुल संकल्प लिया, और हमने ये संकल्प लिया कि हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, जिसमें चिकित्सक का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने समाज के लोगों को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और पूर्ण डायग्नोसिस बनाने के लिए, जिससे कम से कम दवाइयों का सेवन उन्हें करना पड़े, इस दिशा में कारगर काम।